उस भयावहता की ओर इशारा है कि भारत एक भयावह संकट में फंसता जा रहा, खासकर भारत का हिंदू समाज। और ये जो भयानक संकट है, सरकारें धर पकड़ तक लगी है उस वैचारिक जो उनकी विचार उसकी सर्जरी नहीं कर। मैं आपको पीएफआई पर बता रहा हूं, पीएफआई जो पटना में मॉड्यूल ब्लास्ट ब्रास्ट हुआ है, उस मॉड्यूल में सरकार ब्यूरोक्रेसी सेना सब पे कब्जे का इनका प्लान। सरकार में कब्जा जनप्रतिनिधित्व से, सेना में कब्जा नौकरी आदि अग्निवीरा में भी अभी घुसेंगे अगर घुसना चाहें तो, और ब्यूरोक्रेसी में तो सरकार उनको स्कॉलरशिप भी दे रही है, आईएएस आईपीएस बनाने के लिए मोदी सरकार ने दिया ही है और कई गुना दिया है। और उन्होंने लक्ष्य रखा ही है, नकवी साहब ने कहा ही है कि कांग्रेस ने 70 साल में 5% मुस्लिम को अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी में जगह दिया, हमने 8 साल में 10% किया। वो जो अपने ताव दिखा रहे थे, वो ताव यहाँ दिख रहा है कि इनकी पूरी मंशा भारत के सिस्टम पे कब्जा किया है और बाद में गजब हिंद करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की है, इस्लामिक गणराज्य की स्थापना कर। दुख इस बात का है कि वाजपेयी जी को ये प्रॉब्लम समझ में आई थी और उन्होंने आते ही सिमी को बैन कर दिया और पोटा जैसा कानून लेकर आ गए। सोनिया आई, सोनिया की मनमोहनी प्यारी कठपुतली सरकार आई, प्यारी कठपुतली सरकार ने पोटा हटा दिया और उस कठपुतली ने पोटा ही नहीं हटाया बल्कि इनको बचाने के लिए हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी कर दी। लेकिन उस समय के, अब मैं अच्छे ब्यूरोक्रेट की बात कहूं, अच्छे मोहनचंद शर्मा जैसे जांबाज बलिदानी के कारण ये जो सिमी कन्वर्ट हुआ था इंडियन मुजाहिदीन में, और इंडियन मुजाहिदीन को जांबाज पुलिस वालों ने ध्वस्त कर दिया, पूरा मॉडल ही ध्वस्त कर दिया। बाटला हाउस में सारा मॉडल इनका ध्वस्त हो गया, बड़ा क्रैकडाउन चल। उन्होंने फिर चेहरे बदले, वैसे रजिस्टर तो पहले हो चुके थे वो पीएफआई के रूप में, यानी ये कन्वर्टेड, ये कन्वर्टेड, ये यानी सिमी इंडियन मुजाहिदीन एंड द पीएफ, और पीएफआई को पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए और कई विंग्स खड़े करने के लिए इन्होंने काम किया। भारत में मोदी सरकार आने के बाद और उससे पहले पीएफआई एक्टिव हो चुकी थी भयानक, पूरे केरला में केरला की कम्युनिस्ट सरकार ने अदालत में कहा केरला के हाई कोर्ट में कि वहां लव जिहाद बढ़ाया जा रहा है, हमारी क्रिश्चियन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम। ये वो वहां तो वो सरकार बनी, कोर्ट में भी ये बात। मोदी सरकार आने के बाद पीएफआई डायरेक्ट दंगे में इन्वॉल्व, दिल शुरू के जो 4-5 साल चले इनको डर लगा मोदी और शाह से, ये गुजरात से आए और ऐसा ब्रांड बिल्डिंग हो चुका था कि भैया ये तो दंगाइयों को छोड़ने वाले नहीं, गुजरात दंगे आर के आलोक में उनका ऐसा आभा मंडल बना हुआ। उस आधा आभा मंडल को समझने में इनकी नानी मर गई, उस 5 सालों बड़ी शांति में, लगभग शांति में रहे। एक तो किया भी पुलवामा अटैक में तो खैर बाहर का था, फिर आपको वहां पठानकोट में अटैक हुआ, वहां थोड़ा डाइल्यूट हुई मोदी सरकार, और पठानकोट में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर जांच करवाने के प्रयास किया। आईएसआई यहां से सूचना ले गई और अपने यहाँ जांच करने के लिए हमारे अधिकारी को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी ये डरते रहे। इनका डर टूटा शाहीनबाग से, सीए लागू होने के बाद। शाहीनबाग को जैसे योगी आदित्यनाथ ने क्रैकडाउन किया, और उस समय कानपुर या बनारस में, एक लखनऊ में थपेच के मारा, वो दोबारा फिर खड़े ही नहीं हुए, और वहां पीएफआई ने शाहीनबाग बनाने का प्लान ही छोड़ दिया। लेकिन दिल्ली में वो धीरे धीरे, और देखा कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसके विधायक मंत्री तो सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही दिल्ली की जो पुलिस गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी के पास है वो भी झुलमुल है, और केंद्र कार्रवाई नहीं करना चाहती क्योंकि हम इंटरनेशनल ही हैं, केंद्र डर रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कहीं कुछ गलत ना छप जाए।
केंद्र डर रही है कि वाशिंगटन पोस्ट कुछ गलत ना छाप दे, केंद्र को डर लग रहा है कि कहीं सीएनएन बदनाम ना कर दे, कहीं बीबीसी कुछ ऐसा ना लिख दे जिससे हमारी छवि जो है वो एंटी मुस्लिम बन जाए। और इसका उन्होंने फायदा उठाया, और दिल्ली के दंगों में 3 दिन तक जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति, आए, उनके सामने इन्होंने दंगे किए ताकि न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, बीबीसी, वाशिंगटन पोस्ट को भरपूर खुराक मिली। और सरकार दबी रही, दिल्ली पुलिस को आदेश था कि तुम्हें डंडा भी नहीं चलाना, इसलिए कई पुलिस वाले मारे गए, रतनलाल जैसे हम मारे गए। दिल्ली के दंगे में आईबी का अधिकारी खींचकर अंकित मार दिया गया, लेकिन पुलिस को कहा गया कहा खबरदार कार्रवाई मत करना। यहां से पीएफआई बाउंस करना शुरू किया, यार ये सरकार से तो बेकार 5 साल डर रहे थे, ये तो बिल्कुल हमारे इसकी निकली, ये तो कोई कार्रवाई नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी पहुंच, कपिल सिब्बल आदि बना रहे थे। आदिया केस में 1-1 करोड़ रुपए इन्होंने वकील के फी भरे, ठीक है, एक लव जिहाद को लव जिहाद बनाए रखने के लिए 1-1 करोड़ के फीस भरे थे। जब इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो इनका मन बढ़ा, शाहीनबाग किया इन्होंने, दिल्ली का दंगा किया इन्होंने, उसके बाद किसान आंदोलन के पीछे भी इनकी ताकत लगी, साल भर पूरे देश को डिस्टर्ब किया इन्होंने, बंगाल में भी इनकी ताकत लगी रही, डिस्टर्ब किया, और धीरे धीरे अब तो हर जगह हिंदू को काटा जा रहा। आजादी के बाद पहली बार, 14 के बाद पैगंबर आदि के नाम पे गला काटे गए, तो पहली बार हुआ आजादी के बाद गला काटे जा रहे, और सबको इनका वैचारिक समर्थन है पीएफ पर। अब पीएफआई का जो पूरा मॉडल है वो बिहार में, यानी वो पूरे देश में चल रहा है, बिहार के उस मॉडल का पर्दाफाश हुआ। इनका मिशन 47 इंडिया विजन जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है उन्होंने, और सरकार से लेकर नौकरशाही और सेना सब पे कब्जा करने की है, जिसके लिए सरकार और इनके लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है। आईएएस बनने के लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार 1-1.5 लाख रुपए का इनको खैरात दे रही है, मुफ्तखोरी दे रही है कि आईएएस बन, और 5% से 10% इनको बना दिया है, इनको इनकी संख्या पहुंच गई। अभी अभी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं आगे आप बताता हूँ, एक लड़का जो मारा गया है, दरोगा हरा टिड्डा वर्ग से है, उसने हत्यारे को बचाने के लिए, क्योंकि हत्यारा भी हरा टिड्डा वर्ग से है, हत्या को रोड एक्सीडेंट बनाने का प्रयास किया। यानी ये नौकरशाही में बैठकर अपने मजहबी उन्माद को और बढ़ाते, जो सरकार, भारत की सरकार तृप्तिकरण में इसको इग्नोर करके और उसको वो वजीफा बांट रही, वजीफा। अब इन्होंने 4 चरण में इस पूरी योजना को बताया, ये दस्तावेज पूरा मिला है, बुकलेट मिला है, और ये पूरा बड़ी साजिश है। इसमें जो मिला है आपको कि कैसे अपनी ताकत दिखाएंगे, मुस्लिम आबादी को एक बैनर के तले लेना और उनको इस्लामिक पहचान स्थापित करना कि तुम सब इस्लाम हो, बाकी सब छूट जाओ। अभी हमारे यहाँ फयाजी भाई साहब आए थे, वो पसमांदा और अशरफ कह रहे हैं, लेकिन पीएफआई में शामिल होने वाले का एक ही पहचान है, इस्लाम, न पसमांदा न अशरफ। फिर उनको हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद हिंसा का प्रदर्शन करना है, दिल्ली दंगा, शाहीनबाग, किसान, और अभी रामनवमी, नुपुर, सब देख रहे हो आप, जितना भी प्रदर्शन चल रहा, तो उसका उस हिंसा का प्रदर्शन करना ताकि सरकार दबाव में रहे और हिंदू डरा रहे, इसलिए गला काट के भी वो वीडियो बनाते। और उसके बाद जो है ये जो इनका असली उद्देश्य है उनको छुपाने के लिए दलितों को साथ लेना है, संविधान का नारा पिटना है, लोकतंत्र का नारा पिटना है, लेकिन असल में गजबाए हिंद करना है, और न्यायपालिका में अपने सदस्यों का घुसपैठ कराना है। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यायपालिका किस तरह के फैसले देती है, वकील आपको बताया कपिल सिब्बल 1-1 लाख 65 लाख केस एक का लेके वहां तक पीएफआई का केस ला, सारा तंत्र उनके काम कर रहा है। और उसके बाद जो है विदेश के देशों के साथ लगातार संपर्क कराना है कि यहाँ कुछ हो तो हम
कतर कुवैत जो बोलने लग गया, जहां सरकार जी माई बाप की ईरान के सामने एनएसए साहब ने कहा जी 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 जो कहिएगा, ये उनके पीएफआई की जाल में सरकार फंसी हुई है। पीएफआई की योजना इनके बारे में हमारा इनसे संपर्क रहेगा, जहां हमें कुछ करेंगे हम शोर मचाएंगे। शोर मचाया तो डोवाल साहब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर पहुंच गए, उन्होंने कहा हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी। उसके बाद एक शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व तो खड़ा करना है जिसमें 50% मुस्लिम और 10% पिछड़ी जातियों का विश्वास हासिल करना, दलित ओबीसी। और आपको बता चुका हूं कि ओबीसी की आड़ में अगर श्वेत पत्र जारी हो तो हिंदू ओबीसी से ज्यादा मुस्लिमों ने और ईसाइयों ने आरक्षण दिया, तो वो 50% मुस्लिम प्लस 10% ओबीसी के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल इस्तेमाल करना है। और वो जो है, फिर आरएसएस का नाम आ गया है, आरएसएस को डिफेंड करना आरएसएस के लोगों का काम, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा हिंदू मुद्दा, कट तो हिंदू रहा है, ठीक है, अभी तक जितना कटा नुपुर के मामले में कन्हैया लाल वो आरएसएस का नहीं था, उमेश आरएसएस का नहीं था। हाँ, कन्हैया लाल का हत्यारा जरूर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य था, और जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया लश्कर का आतंकवादी जरूर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आईटी सेल का प्रमुख था। लेकिन हम हिंदू पे ही बात करेंगे, हमको हम डायलॉट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायलूजन में प्रवक्तागिरी करने की आवश्यकता नहीं है किसी की, लोग अपने अपने प्रवक्ता खुद ही। तो ये जो पोर्शन है आपका, उसके बाद इनकी पूरी योजना जो है, आपको मैं कई घटना भी जुड़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। और 15 जिला में इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए, मतलब, और 15,000 मुसलमानों को हथियार दिए, 15,000 युद्ध छेड़ सकते। ये जो आरोपी आतंकी हैं अतहर और रहमान, इन्होंने इसका खुलासा पुलिस में किया है कि बिहार के बेरोजगार मुस्लिमों को जो है ट्रेनिंग दिया गया, 15,000 से अधिक मुस्लिमों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, और यह जो है वो भारत में एक युद्ध की घोषणा कर रहे थे। 15 जिला में कैंप खोले गए, 15 जिला में ट्रेनिंग चलाया गया, सोचिए हिंदुआ। और पूर्णिया को हेडक्वार्टर, क्योंकि पूर्णिया किशनगंज बिहार का जो 4 जिला है, वो जो सीमांचल बोलते हैं, वो पूरा मुस्लिम बहुल है, जहां पर ओवैसी जीता था, बाद में ओवैसी के जो विधायक उधायक है वो लालू की पार्टी में आ गए, वो पूरा ही वो जो आपको सरजील इमाम कह रहा था कि बोटल नेक काट देंगे, वो बोटल नेक वही है बंगाल बिहार की सीमा पे, वही कि अगर इसको काट दे तो नॉर्थ ईस्ट में हम सेना को घुसने नहीं दे, रसद पहुंचने नहीं दे, वो पूरा बोटल नेक, यानी वो जो पूरा इलाका है वो कब टूट जाए ये स्थिति। इसीलिए मैंने आपको अगर पासवान आंदोलन से जुड़े फयाजी भाई साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो बिहार में मुस्लिम लीग को रोका, ये किया, हमने कहा कि भाई 40 में से 34 सीट मुस्लिम लीग को बिहार से मिला, फिर उन्होंने दूसरी दूसरी बातें। तो बिहार के मुस्लिमों ने भारत विभाजन में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, असरम पसमांदा जो भी आपको, वो एक ही है। और अभी वो बोटल नेक काटने के लिए, वो अभी तो पूर्णिया उनका हेडक्वार्टर बनाया गया, और उसमें जो है पूरे बिहार में पीएफआई की सक्रियता है, ये कहां केरला, ऐसे ही लड़ाई लगाएंगे साउथ और नॉर्थ का, आर्य और द्रविड़ का, मलयाली और हिंदी का, लेकिन देख लीजिए केरला का पीएफआई बिहार में कैसे एक्टिव, और कैसे 15,000 ये हथियार लेकर अगर फोटो पर निकल जाते तो क्या स्थिति होता, 4-6 ने मिलके मुंबई में 26/11 कर डाला। तो इसमें क्या करते थे, ये गांव के कस्बों के मोहल्लों के जो है अपने ही बिरादरी के अपने ही मजहब के लड़कों को चिन्हित करते, और उनकी देखते कि इसकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, ये नहीं है, मजहब तो जोड़ ही देता है घर की स्थिति क्या ठीक है, कौन सा ये, तो सरकार इस सरकार के बाद इनको सर पैसे हाथ में आने लगे, अभी 1,000 पैदा करोगे तो घर की स्थिति कैसे। और उसके बाद जो है उनका पूरा उस इस्लामिक जो उनका साहित्य है उसके जरिए वो ब्रेन वॉश करते, और उसके बाद इनको भड़काते, ट्रेनिंग देते, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन युवकों को टारगेट क्या दिए और कोड दिया जाता। आगे ही बहुत बड़ी जो है, इस जिन 10 जिलों में ये बड़ा कैंप चलाकर ट्रेनिंग दे रहे थे, तो पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार,
अररिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, वैशाली, इन दरभंगा में तो आधी आधी जनसंख्या हो गई, आधी हिंदू मैथिली ब्राह्मण और आधी मुस्लिम। समस्तीपुर हमारा, जहां अडवाणी गिरफ्तार हुए कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन अभी छात्र आंदोलन में पूरा ट्रेन फूका गया, विधायक लालू की पार्टी के मुस्लिम विधायक, समझ रहे हो? तो ये जो है, उसके बाद जो है, इस पूरे मामले में जो पता चला है वो यही है कि भारत के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की घोषणा थी, और वो पूर्णिया, और फिर धीरे धीरे सब जगह वो जो है फैला रहे थे, सब जगह कब्जा करने की उनकी मंशा थी। वहां काफी बड़ा मामले में इनकी जो फंडिंग के कनेक्शंस जो हैं वो बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग का पता चल रहा है। ये जो जिनके आगे भारत झुक जाती है, कतर, कुवैत, वहां सबसे, कतर इस दुनिया में हर आतंकी संगठन को, अपने मजहबी आतंकी संगठन को फंड करता है, कतर, जिसके आगे सरकार झुकी, आपको बार बार याद दिलाता हूं। उसके बाद जो है, इस पूरे मामले में अभी और जांच जारी है, तो ये कितना भयावह मॉडल है इस चीज से आप समझ सकते हैं। साथ ही आपको इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ अब एक तो ये मॉडल हुआ पीएफआई का, जो हथियारों के साथ आक्रमण करना है, ट्रेंड छोकरों को लेकर, ट्रेंड हरे टिड्डों के जरिए। दूसरी योजना कि सारी ब्यूरोक्रेसी से लेकर सेना तक पे कब्जा करना है, और 47 तक जो तीसरा लाइन है, 50% मुस्लिम प्लस 10% ओबीसी, ओबीसी और सब कर, फिर हमको कब्जा करना, और हिंदुओं को घोड़ा गधा बना के उनको मारना है, धर्मांतरण कराना है। एक हो गया। पॉइंट नंबर टू, कि आपने देखा होगा कि आसाम में बाढ़ के जरिए जिहाद किया गया, उसी तरह यूपी में भी बाढ़ के जरिए जिहाद की कोशिश हुई। वसीम और जिसान नहर काट रहे थे, यानी ये फ्रांस के तर्ज पर, फ्रांस में ट्रक मिल गया, जो गाड़ी मिल गया, चक्कू मिल गया, पेचकस मिल गया, ये सिर्फ जन्नत में हूरों का सवाब देखने के लिए ये सारे कहानी हो रही है। और हूरों का सवाब मतलब ब्रेन वॉश, मजहबी ब्रेन वॉश। तो जिस तरह से आसाम में हुआ, उसी तरह लखीमपुर खीरी, अब लखीमपुर खीरी में ही भाई बहन क्यों नहीं कूद कूद के गए जूता पहन के, स्पोर्ट्स शूज पहन लेते हैं दोनों भाई बहन, पप्पू पिंकी ऐसे जो जंप ले लेके जाते हैं। अब लखीमपुर खीरी जाओ, तुम्हारे बिरादर पकड़ाएंगे, तुम्हारे ही बिरादर पकड़ाएंगे जिनके वोट लेके तुम मुस्लिम लीग में कन्वर्ट हो चुके हो। कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई, भाजपा कांग्रेस बन गई, हिंदू स्पेस खाली है, हिंदू के लिए कोई है नहीं। तो ये भाई बहन अभी नहीं गए हैं क्योंकि वहां इनके बिरादर पकड़े। तो इन सब के खिलाफ जो है शिकायत हुई है, और इनमें नाम है इनके, समझ लाइए, जो नहर काटकर बाढ़ लाकर जिहाद करना चाहते थे, उनका नाम है रिक्सान शाह, सिकंदर शाह, वसीम खान, सरदार अली, जिसान अली, मुदर्रिक अली। ये सब नहर काटकर आसाम की तर्ज पे बाढ़ जिहाद की कोशिश कर रहे थे। इसमें जो जूनियर इंजीनियर सत्येंद्र वर्मा, उनकी शिकायत है, शिकायत में कहा गया कि 13 जुलाई को मैं अपने टीम के साथ अपने क्षेत्र में नहर का निरीक्षण कर रहा था, इस दौरान मैंने बनका गांव के पटरी नंबर डैश डैश पर रिक्सान शाह, सिकंदर शाह, वसीम खान, सरदार अली, जिसान अली और मुदक्रिक अली को नहर की पटरी काटते हुए पाया। मैंने डायल किया 112 नंबर, पुलिस को इस के बारे में सूचना दी। तो अब जो हिंदू अब्बासी हो गए हैं, जिनको इसमें अब्बास मेरा यार दिखता है, वो तो बाढ़ से भी तुमको मारेंगे। तो उनके घर में जाके और उनके गले मिलते हो, तुम्हें चारा हर हाल में बनाएंगे अब्बासी हिंदुओं, वो देखते जाओ हिंदू के शत्रु। उसके बाद बिहार में एक और घटना हुई, सीतामढ़ी में, आप देखिए कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर सीतामढ़ी में युवक को चाकू मार, यानी आजादी के बाद इतने तरह के जिहाद, पैगंबर, पैगंबर के विरोध में कोई जो बोला, उसके समर्थन में जो कोई बोल रहा, उसको मारने काटने की इतनी घटना लगातार अब पहली बार हो रही है। और ये बच्चा है, इसका चेहरा देखिए,
ये राजस्थान में के उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ और महाराष्ट्र में उमेश कोले के साथ जो हुआ वही घटना बिहार में हुई। और अगर अभी भारत में करीब नुपुर के समर्थन में 6 लोगों पे मोटा मोटा माना जा रहा है कि करीब 6 लोगों पे हमला हुआ है, 2 को मार दिया गया है, बाकियों पे हमला हुआ है। एक तो पलवल में भी हुआ था, भारद्वाज लड़का था उसके सीने को भी गोला गया था। और ये बिहार का है जो जहां एक युवक को नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर कुछ कट्टर पंथियों ने चाकू मार दिया। ये घटना 16 जुलाई का है और इसमें घायल पिता ने जो बयान दर्ज कराया तो पुलिस ने FIR से नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया। यानी सेकुलरिज्म कह रहा हूं कि शासन तंत्र में कैसे घुसा पड़ा है, जिसको सरकार ढिंढोरे पीट रही, हमने 5% मजहबी को बढ़ाकर 10% किया, कैसे घुसे पड़े हैं सर। और दूसरा आबासी हिंदू जो मानसिक रूप से विकलांग है, जिसको भाईचारा दिखता है, नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया गया। उसके बाद जो है सीतामढ़ी का ये घटना है, युवक का नाम अंकित झा है, नानपुर गांव का रहने वाला है। और अंकित झा जो है वो अपने स्टेटस में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाया था, जो कन्हैया लाल ने भी के भी बच्चे ने स्टेटस में नुपुर शर्मा लगा दिया था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा जो चलता है। पीछे से युवक आए पूछने लगे क्या देख रहे हो, वीडियो चला रहा था, नुपुर का सपोर्ट करेगा। इसी में हाथापाई हुई और हाथापाई के बाद चाकू लेकर ये 3-4 लोग थे, युवक ने सिगरेट सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर फेंका, चाकू 5-6 बार चाकू उसको गोद दिया, लोगों ने पल्सर बाइक पे से पकड़ लिया। अब आप ध्यान से देखिए, जब लोगों ने इनको पकड़ा तो इनको बचाने 25-30 मुस्लिम युवक आ गए, यानी वो जो पसमांदा कार है उस समाज का भी सपोर्ट है। यानी आए और उसे बचा कर ले गए, समझिए पूरा समाज पीड़ित है। ये वो जो समुदाय है वो मजहबी कट्टरता उनके DNA रग रग में घुस गया है। भागवत जी कितना DNA आप निकालेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी कितना इनको नौकरी में बैठाएंगे, कितना इनको तृप्त करेंगे, ये रक्त पिपासु कैसे तृप्त होंगे। वो पूरा समाज उठ के उनका समुदाय आ गया और चाकू हत्यारे को जो हत्यारा जो बच गया जो चाकू चला रहा था उसको बचा के ले गया इस पूरे में। और अभी तक 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम है घोड़ा उर्फ गुलाब रब्बानी और मोहम्मद नेहाल। बाकी वो जो आप देखिए बुरान बानी में भी वो समुदाय खड़ा हो गया, अब वो जो आपको अफजल में भी वो समुदाय खड़ा हो गया, हर आतंकवादी के पीछे वो समुदाय खड़ा है। और तब कहते हैं सब खराब नहीं होता। अब मैंने उस दिन पूछे थे ना, तो आप सब कहां बाहर उनको आता है कोई दिखता है जो इस कट्टरपंथियों के विरोध में खड़ा हो, वो तो नहीं दिखता। तो बिहार की ये घटना, बिहार की घटना के बाद एक और घटना मैं बता दूं, सानू पांडे। सानू पांडे अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का निवासी, नुपुर का समर्थक था। अब पुलिस ने एक नया मामला कहा कि दुकान की झगड़ा था, पड़ोस पड़ोस में दुकान था, इसका दुकान अच्छा चलता था, टिड्डे का दुकान नहीं चलता था इसलिए। लेकिन जो लोग वहां बता रहे हैं कि नुपुर नुपुर का समर्थन करता था, इसके बगल में ही एक दुकान था तबरेज का और तबरेज ने इसको मार दिया, तबरेज ने इसके सिर में गोली मारी। लेकिन जो दरोगा है उसका नाम है फिरोज खान, ये जो सरकारी नौकरी में 10% मजहबी भरने का ये जो रिएक्शन, परिणाम तो 5-10 साल बाद 15 साल बाद दिखेगा, लेकिन अभी वो 10 से कम ही है तो परिणाम देखिए। फिरोज खान ने गोली मारकर मारी गई इस घटना को सड़क दुर्घटना साबित करने का प्रयास किया अपने टिड्डा ग्रुप को बचाने के लिए। अभी आपको सीतामढ़ी का दिया कि मारने वालों को बचा के उसके 25-30 समुदाय के लोग ले गए, अब इस टुड्डा ग्रुप को बताने के लिए फिरोज खान सड़क दुर्घटना की थ्योरी गढ़ने लगा। पोस्टमार्टम में ही बात पता चला कि गोली ब्रेन में फंसी हुई, तो इस फिरोज खान की झूठ पकड़ में आई और ये तबरेज गिरफ्तार हुआ है। बड़े पैमाने पर ये घटनाएं हो रही है। उसके अलावा ये जो है सीतामढ़ी का आपको बता ही दिया, अंकित झा का, और ये आपको बता ही दिया
ये लगातार ये घटनाएं हो रही है, और इनका जो है आपको अमरावती का भी देख लीजिए, अमरावती में आप भी देख लीजिए, अमरावती में आप देखिए, आप देखते जाइए, एनआईए जो है, एनआईए ये नरसिम्हानंद जी को मारने का योजना बनाए हुए थे। देखिए अमरावती मर्डर केस, आरोपियों की हिट लिस्ट एनआईए के हाथ लगी, कई और हत्याओं की थी योजना। देखिए ये महाराष्ट्र, अमरावती हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ में एनआईए को एक ऐसी हिट लिस्ट की जानकारी मिली जिन्हें मौत के घाट उतारने की साजिश रच रहे थे। इस हिट लिस्ट में पहला नाम है गाजियाबाद शिव शक्ति दासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद जी का। किसी दिनाड़ी बाबा का आपने नाम सुना है, जो अली मौला नचाता है, ऐसे 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 नचाता है शिवरात्रि में, उसका नाम सुना है, जो राम की कथा में नाचता है ऐसे ऐसे, अली मौला नचाता है, रवीश को बुलाकर बयान दिलवाता है, और जो साध्वियों के ऊपर नोट बरसवाता है, उसका नाम किसी हिट लिस्ट में सुना, किसी की हिट लिस्ट, जो जाके एक वो मुस्लिम मौलाना से जाके मंच पर हार के आता है, उसका नाम सुना? तो इन दिनाड़ी बाबाओं के पीछे जो पैसा लगा रहे हैं, अभी कल परसों एक हमारे साथियों ने वीडियो डाला, एक गटर के पिस्टू का, वो कहीं गया है तो लोग उसकी, हमारे यहाँ सभ्यता है किसी अतिथि का स्वागत करते हैं, तो दिनाड़ी बाबाओं के ही स्वागत होते हैं, लड़ने वालों को मार दिया। ये जो जितने दोगले चरित्र होते हैं ना, क्योंकि समाज भी दोगला है, तो दोगला दोगला जस्टिफाई हो जाता है, समाज कायर है, डरा हुआ है, एक डरपोक जो उसको कहता है इस सबको छोड़ो, ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसको छोड़ दो, तो वो जो डर है उस डर को एक सपोर्ट मिल जाता है, और दो डर वाले मिलकर अली मौला का। लेकिन जो आंख में आंख मिलाकर कहता है कि तुम मारे जाओगे, उससे बचना चाहता है, सुंदर की तरह मुर्गी की तरह ऐसे चुपता है दाना, उस मुर्गी को काट रहे हैं, मुझे तो नहीं। हिंदू समाज के पूरे अवचेतन में जहर भरा हुआ है, जहर भर दिया गया, और कायरता भी भर दी गई है, वो लड़ना नहीं चाहता, और ऐसा नहीं कि उसको लड़ना है सड़क पर, उसको सिर्फ वो कह के क्या बोला, रेस्टोरेंट में गया, भाई हमको हलाल नहीं चाहिए, ये इतना भी नहीं बोल पाता, उसको शर्म आती है कि कोई उसका चेहरा देख लेगा तो मुंह दिखाई लगेगा। वो उसके जो पड़ोसी हैं उसको बुलाते कि हमारे यहाँ आइए, भाईचारा करते हैं, वो मना नहीं कर पाता, वो अपने सैलून में मना नहीं कर पाता, गला कट जाता, वो कन्हैया लाल जिनसे खतरा था, उसके नाप, उसका नाप, छाती का नाप लेने से खुद को रोक नहीं। वो उमेश कोले अपने 16 साल पुराने दोस्त को 2 लाख रुपए मना नहीं कर पाता, देता, उसकी बहन की शादी में मदद करता है, वही अंत में उसको मार देता। वो रिंकू मना नहीं कर पाता अपने पड़ोसी को, और वो खून अपना देता है, ब्लड डोनेशन करता है, और बाद में वही उसके पीठ में छाप छाप में खोप देता है। वो गणेश संघ के विद्यार्थी माना नहीं कर पाते। अरे हिंदुओं के अंदर की इतनी इतना ज्यादा ये बढ़ गया है कि वो मना करने में उसको डर हो, और ऐसे में कोई दिनाड़ी मिल जाए, कोई गटर मिल जाए, जो उसके उस डर को और पोषित करता है और डरा कर रखता है, उसको लगता है चलो दो दो मुर्गी मिल गए, दो दो मुर्गी मिल गए। तो दिनारी बाबाओं पे कोई खतरे नहीं है, खतरा है एनआईए के मुताबिक गाजियाबाद के शिव शक्ति धारणा मंदिर के मान यति नरसिम्हानंद पर, और दूसरा नाम था नुपुर शर्मा का, लड़ाकुओं के नाम होते हैं। अकबर की हिट लिस्ट में महाराणा प्रताप था, मानसिंह नहीं था, इस बात को समझिए, भले और महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी, मानसिंह मालपुए खा, तो इस्लाम मत जाइएगा कि दिनारी बाग पास बहुत पैसे हैं, गडर के पिस्तों के बहुत फॉलोअर्स हैं, उस सरकारी हिंदू और अब्बासी हिंदुओं के बड़े व्यूअर्स हैं ना, वो तो मानसिंह को भी मालपुए मिल रहे थे, लड़ तो राम शिवाजी को उन बीहड़ जंगलों में लड़ना पड़ रहा था, उनको मालपुए नसीब नहीं थे, लड़ने वाले को मालपुए नसीब नहीं होते, राम को मालपुए नसीब नहीं थे, रावण मालपुए चाप रहा था, राम तो जंगल में भटक रहे थे, और दुर्योधन मालपुए चाप रहा था, पांडव तो जंगल में भटक रहे थे, लड़ने वालों के साथ ये होता है, उसकी परीक्षा लेता है ईश्वर, और यही फाइटर का नेचर है कि वो परीक्षा को कैसे पार कर। लेकिन हिंदू समाज अपने अंदर झांके अपने अंदर कि तुम अपने डर को कब तक दूसरे के डर से परिपोषित करते रहोगे, उससे बाहर तो कभी निकलोगे।
भगवान आपका डर हरता है, उस पर भरोसा करने की जगह जगह गटर और अली मौलाओं और दिनाड़ियों पे भरोसा करोगे और नेताओं पे भरोसा करोगे। अरे तुम तो नेताओं पे भरोसा करके बैठे थे बंगाल में, उन्होंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। क्या हुआ तुम्हें? वही शास्त्र सॉरी रहा था तो मरते पर पांच को मार के मार। तो एनआईए की लिस्ट में नुपुर नरसिम्हानंद जी का और नुपुर शर्मा का नाम था। उमेश कोले की हत्या में ये खुलासा, अमरावती में उमेश कोले की हत्या हुई, यानी नुपुर के समर्थन में जो सबसे पहला गला काटा गया वो कन्हैया का नहीं, उमेश कोले का। लेकिन मीडिया ने उसको छुपाया था, इंडिया स्पीच ने बताया था, और कुछ मीडिया ने भी बताया था। कन्हैया में चुप ने वीडियो जारी किया रियाज और गौस ने, जिसके कारण ही मामला आया था। मैंने तो उसको भी मीडिया दबा दी थी, और अभी जो मैंने पांडे का बताया आपको उसको तो मीडिया दबाई थी, सीतामढ़ी वाला तो मीडिया दबाई थी, देख ही रहे हो। ये थे उमेश कोले। तो उमेश कोले तो एक शुरुआत थी, उसने कहा एक लंबी लिस्ट है जिसको हमको मारना है, और ये इसको बनाया गया वुल्फ अटैक, भेड़ियों की तरह, ये भेड़िया प्रजाति है। मैंने साजिश की कहानी में आपको लायन और फॉक्स थ्योरी दी है, लोमड़ी भेड़िया अलग अलग है लेकिन थोड़ी समानता है उनके नेचर में। इसको बोलते हैं वुल्फ अटैक, अकेले वार करने की तकनीक। जैसे भेड़िया अपने शिकार को अकेले में दबोचता है और मौत के घाट उतारता है, उसी तरह इस हत्या को अंजाम देना। एनआईए ने बताया कि यति नरसिम्हानंद जी की अच्छा और सुनिए और सुनिए, एनआईए ने बताया कि संगठन का जन्म यति नरसिम्हानंद की भड़काऊ बयानबाजी से हुआ। खलीफाओं का जन्म भी नरसिम्हानंद जी ने करवाए थे, जैसे नुपुर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारी वजह से सारी हत्याएं हो रही है, तो क्या नरसिम्हानंद जी ने खलीफाओं को भी पैदा किया था? नरसिम्हानंद जी ने जिन्ना को पैदा किया था भारत विभाजन के लिए, नरसिम्हानंद जी ओवैसी को, भारत में जो कलकत्ता किलिंग हुई थी नरसिम्हानंद जी ने पैदा किया था? कैसे सरकारी तंत्र अपने ही साधु संतों का गला काटता है वो देखो। तो ये एनआईए ने उनकी बयानबाजी के साथ ये पैदा हुए, तब तो नरसिम्हानंद ये जो हिंदू आतंकवाद पे कई भाजपा के लोगों पे आरोप लगे थे, इंद्रेश कुमार मोहन भागवत, वो भी नरसिम्हानंद जी के कारण पैदा हुए थे क्या? भावेश पटेल की चिट्ठी तो है ना एनआईए कोर्ट में, एनआईए अपना देखे कोर्ट में, अजमेर ब्लास्ट में देखे, मक्का ब्लास्ट में देखे, पर मीडिया को याद नहीं रहता, लोगों को याद नहीं रहता, और मीडिया याद कराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि नरसिम्हानंद जी की वजह से एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का जन्म, और ये सभी इस्लाम को पाक धर्म मजहब मानते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है। 2020 के दिल्ली दंगे से पहले यति नरसिम्हानंद द्वारा इस्लाम और अल्लाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी थी, इसकी वजह से तोतियों में रोड बढ़ने लगा। उसके बाद ये सभी आरोपी पहली बार एक मुस्लिम कट्टरपंथी सोच के साथ संगठन के रूप में आए। पहली बार सुनिए, नरसिम्हानंद से पहले सिमी था, नरसिम्हानंद जी से पहले PFI है, नरसिम्हानंद से पहले इंडियन मुजाहिदीन था, इतने मतलब आप देखते। जब आरोपी का नाम इरफान शेख, एनजीओ चलाया, एनजीओ के आर में संगठन चलाया जिसमें आरोपी आबिद रशीद, अब्दुल तौफीक, मुदस्सर, शाहरुख, सोयब खान, आरोपी डॉक्टर यूसुफ खान, उमेश कोले तो इसको डॉक्टर अपना दोस्त बनाए घूम रहे थे, उसकी बहन के विवाह में 2-2 लाख रुपए दिए, और ये उस गैंग का पार्ट, और समीम, इन लोगों ने नरसिम्हानंद को मारने की साजिश की। ये अल्लाह के खिलाफ जहर उगलता है, इस पर सबक सिखाया जाए, सबक ऐसा हो कि फिर कोई अल्लाह और इस्लाम को बदना के खिलाफ ना बोले। नरसिम्हानंद को मौत के घाट उठाने की साजिश भी आरोपियों ने रची, लेकिन अमरावती से गाजियाबाद जाना, फंड की कमी, बैकअप सपोर्ट में बड़े ऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का ना होना इनके काम जो है, और इसलिए, और दूसरा कि शिव शक्ति धाम डासना में पुलिस बंदोबस्त है, लिखा हुआ मुस्लिम प्रवेश नहीं, तो वो भी उनको डर लगा, इनको लगा कि डॉक्टर यूसुफ को काम दिया गया कि सोशल मीडिया पे आप नजर रखिए और उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो इस्लाम विरोधी या अल्लाह के खिलाफ बयान दे रहे। नरसिम्हानंद तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, एक काम कीजिए आप चिन्हित कीजिए, किसी को तो मारना ही है हिंदू, किसी को भी, फूल फटे। और
इनकी प्लानिंग थी कि सबको चिन्हित करेंगे और चुन चुन कर बदला लेंगे। हिजाब नकाब के विवाद, नुपुर शर्मा का बयान, उसके बाद इन लोगों ने सबकी हिट लिस्ट बनाना शुरू किया। इसके बाद इरफान शेख अपने एनजीओ की आर्मी एक बैकअप सपोर्ट के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में था, पीएफआई से सपोर्ट की उम्मीद, फिर पीएफआई आया। उसके बाद जो है इन लोगों ने उमेश कोहली की हत्या को अंजाम दिया। तो ये इनका, ये जो आपको पूरे देश भर की घटनाएं मैंने जोड़ के बताई, वो मैं इसलिए बताई कि वुल्फ अटैक के लिए आप क्या सेकुलर होना आपकी मौत का सबक, आपका धार्मिक होना आपका बचाव है। आप देखो नरसिम्हानंद पर कितने कोशिश किए गए, लेकिन धर्म की रक्षा वाले को देखो। अभी उदाहरण लो, नरसिम्हानंद पे पहला अटैक जो हुआ, कई अटैक हुआ लेकिन जो मोटा मोटा, उस अटैक में नरसिम्हानंद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, और बिगड़ किसका गया? मोहन भागवत। कैसे? वो जो उमर गौतम था, जिसने दो लोग गए ब्लेड लेके पकड़ आया उमर गौतम, उमर गौतम के पीछे वो सिद्दीकी, और सिद्दीकी जिसको भागवत जी के चचेरे भाई अनंत जो है भागवत गए थे उनके घर, और मोहन भागवत जी का वो किया प्रोग्राम में गए, और 150 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट का पता चला। यानी नरसिम्हानंद पे जब भी अटैक करने का प्रयास करते हैं, धर्म की रक्षा देखो ईश्वर कैसे करते हैं, वो एक बड़ा नेटवर्क खोल देते हैं। अब ये नरसिम्हानंद पे दूसरा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उमेश कोहली की हत्या, और फिर वो पूरा नेटवर्क खोल गया। अब मर कौन रहा है जो सेकुलर है ना? और आप देखिए नरसिम्हानंद जी क्या, नरेशानंद जी पे अटैक हुआ, वो भी हिंदू हैं, बच गए, कितना भी उनके पीठ में गोदा गया वो बच गए। तो धर्म की रक्षा करोगे तो आप सचेत रहो, क्योंकि तो धर्म आपकी चेतना को जागृत करता है। धर्म रक्षित की रक्षता का असली तात्पर्य यही है कि धर्म आपको जागृत रखता है कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। ये आपका शत्रु भाव जैसे मित्र भाव होना जरूरी है, उसी तरह शत्रु भाव होना भी जरूरी है। लेकिन जो सेकुलर है, अब्बासी हिंदू है, उसका शत्रु भाव मर चुका है, इसलिए वो भाईचारा करता और चारा बन जाता। यही अंतर है, यही अंतर है, इसलिए पूरे देश में हो रहा है, इस चीज को समझिए।